हेलो लो भाई, गुड इवनिंग सारे फॉलोअर्स को। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ गए हैं और इन्फोसिस का एडीआर जो यूएस मार्केट में ट्रेड होता है उसने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया है। -7% डाउन है। और इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे बाजार का ट्रेंड बदलने की कैपेसिटी रखता है और इसने पिछले ऑलमोस्ट एवरी टाइम बदला भी है। एक ज़माना था 2017, 18, 19 में जब इन्फोसिस का स्टॉक रिजल्ट पे 20% तक रिएक्ट करता था ना, 20-25%, और पीछे जाए तो और ज़्यादा भी रिएक्ट करता था। अभी थोड़ा सा कम हो गया है वोलेटिलिटी, 5-10%, बट स्टिल जो ट्रेंड है कि इन्फोसिस पूरा बाजार पलट देता है वो अभी भी है। इन्फोसिस के चार्ट्स पे चलते हैं और थोड़ा सा रिजल्ट पे बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी आई बिलीव। तो ये इन्फोसिस का एडीआर है जो यूएस में ट्रेड होता है। कल ये यहाँ पर क्लोज होता, आज ज़बरदस्त गैप डाउन है और यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है, बट आप नेट नेट देखो 6.25% डाउन है, 16.5 के आसपास। तो गोइंग बाय दिस, कल इन्फोसिस अराउंड 100 पॉइंट्स नीचे होना चाहिए आज की क्लोजिंग से, रफली 1400, 1380, 1380 के आसपास। ठीक है, विच इज़ ह्यूज। ठीक है, तो क्यों डाउन है? अब इस पे रिजल्ट्स पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, आई थिंक बड़ी हेडलाइंस मिल जाएंगी सब, तो उसको रिपीट करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एज ए ट्रेडर हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है और की पॉइंट्स क्या है रिजल्ट। मेरे जितना मैंने पढ़ा है, रिजल्ट्स के दो प्राइमरली की पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि इन्फोसिस ने अपना ग्रोथ और रेवेन्यू गाइडेंस घटा दिया है ना, टॉप लाइन, मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी कि हम इतना कमा सकते हैं वो उन्होंने कम कर दिया ना। कंपनी की कमाई पहली चीज़ होती है, प्रॉफिट दूसरी होती है। तो जब आपका रेवेन्यू गाइडेंस ही कम हो जाए तो इससे ज़्यादा नेगेटिव या बियरिश मतलब बिजनेस आउटलुक के हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा झटका वो है और इस पे आई थिंक सारे आईटी स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, स्पेशली जो छोटी कंपनीज है, विप्रो, एससीएल टेक, माइंडट्री वगैरह। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये, दूसरा एक तगड़ा झटका ये कि इन्फोसिस ने ये बोला है कि जो क्लाइंट्स हैं उनके, है ना, जो भी बैंक्स हुए, फाइनेंसेस या जो भी इस इंडस्ट्री में वो लोग लार्ज डील्स देख रहे हैं, उन्होंने उनकी डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लग रहा है। मतलब पहले होता है ना कि इजीली प्रोजेक्ट्स दे देते थे आईटी कंपनीज को, अभी आईटी स्पेंडिंग में ये बैंक्स वगैरह या जो बड़े बड़े आईटी सर्विस के कंज्यूमर्स हैं, है ना, बैंक्स हुए, फाइनेंशियल्स, अभी हॉस्पिटल्स, ये सब, ये लोग सोच रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट दें, होल्ड पे रखे हैं ये सब, तो उसमें डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है। जनरली ऐसा होता तब है जब ये बड़े बिजनेसेस को लगे कि टाइम अभी सही नहीं है ना, इकोनॉमी और चैलेंजेस काफ़ी हो सकते हैं, कैश फ्लो, कैश रिजर्व रखती है कंपनीज, तो ये दो बड़े झटके हैं ना, और ये दो बड़े झटके काफ़ी बड़े हैं। इन्फोसिस के चार्ट पे बात करते हैं अपन डिटेल में, क्योंकि इन्फोसिस का चार्ट बहुत कुछ बता रहा है ना, और पूरा बाजार का ट्रेंड बदल सकता है। तो इन्फोसिस के चार्ट पे चलते हैं। एक देखो, मोटा मोटा ये चार्ट देखो तो आपको क्या दिखता है, अगर आप जस्ट विथ नेकेड आईज देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ ट्रिपल टॉप जैसा सीन है ना। हर बार इस रेंज में आके इन्फोसिस नीचे चला जाता है, फिर बाउंस मारता है ना। डबल टॉप तो बहुत क्लियर है, इनफैक्ट स्कैंडल का हाई देखो 15.18.4, और कल की जो कैंडल थी इसका ही 15.18.25, 1518, और इसके पिछले जो जुलाई में जो हाई बना था, जब निफ्टी 1992 का हाई बनाया था, तब इसका ही 1498.8, मतलब 1500। तो
1500 1520 के बीच में ट्रिपल टॉप बन रहा है ना, जनरली काफी बियरिश होता है, और इसको क्रॉस कर दे तो मार्केट फिर बहुत ऊपर भी जाता है। ठीक है, ट्रिपल टॉप के बारे में आप पढ़ सकते हो। और मजे की बात यह है कि ये जो एरिया है 1500 1470, ये सपोर्ट का काम किया करता था मार्केट के लिए, है ना। तो अभी वही रेजिस्टेंस बन गया है, तो ये तो ठीक है ना। और भी सारी चीजें बात कर सकते हैं, बट काम की बात बताऊं, मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं अपने सेटअप्स में, ठीक है, काफी सारे सेटअप्स में, जिसका नाम है बिग कैंडल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल इंफोसिस कम से कम 5% गिरेगा और 5% क्लोज होगा, तो ये जो डेली कैंडल है ये यहाँ कहीं तक आ जानी चाहिए 1400 के आसपास, है ना, 1400 1380 यहाँ तक गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये 5% की एक कैंडल बनेगी, बनना चाहिए, है ना, 4% की बनेगी, क्या है। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में सेटिंग चेंज कर सकते हो, मैंने 5 परसेंटेज पॉइंट्स की रखी है, ठीक है। तो इस चार्ट पे जितनी भी 5% की डेली कैंडल्स हैं उनको ये इंडिकेटर हाईलाइट कर देगा, जैसे कि ये ग्रीन एरो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल बनी थी अप्रैल 23 में, रिजल्ट पे ही बनी थी, गैप डाउन हुआ था वहां से, एक वहीं पे बॉटम बना के मार्केट ने बहुत बड़ी रैली दी, है ना, इन्फोसिस 1200 के आसपास से 1500, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न है ना, 25% रिटर्न विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, विद इन 2 to 3 मंथ्स, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और 5% की कैंडल्स अगर देखें पीछे जाके, यहाँ देखो, यहाँ बनी थी, आई थिंक ये भी रिजल्ट पे ही बनी होगी, 18th अप्रैल 22, वहां से, और अप्रैल में पिछले साल अप्रैल से जून तक आपको पता है मार्केट, मतलब ओवरऑल मैं निफ्टी भी इसमें लगा लेता हूँ सो दैट आप कंपैरिजन देख सको कि पूरे बाजार का ट्रेंड इन्फोसिस अकेला स्टॉक कैसे हिला देता है। यहाँ देखो, इन्फोसिस का रिजल्ट आया था 18th 19th अप्रैल को, बड़ी लार्ज कैंडल बनी, मार्केट वहीं घूमता रहा, और उसके बाद जबरदस्त क्रैक डाउन, 18,000 अप्रैल में जो था निफ्टी वो 15,200, 3,000 पॉइंट गिरा था, है ना, और टाइम लेके नहीं गिरा, अप्रैल मई जून, मतलब 2 महीने में, ठीक है। और इस तरह की कैंडल्स आइडेंटिफाई करते हैं, अभी 5% की कैंडल्स कम ही दिखती हैं, अगर 2018-19 में जाएंगे तो काफी दिखेंगी, एक यहाँ पर है, ठीक है, मार्च 21 में, तो ये भी नेगेटिवली रिएक्ट किया था निफ्टी, रफली कहाँ था ये, उस समय तो खैर मनी प्रिंटिंग ये सब बहुत थी, तो ये पीरियड अवॉइड करते हैं। आई थिंक कोविड के आसपास भी काफी सारी 5% की कैंडल्स दिखी होंगी, ये रही है ना, तो उस समय तो बाजार रिकवर भी कर रहा था, है ना, काफी सारी, तो इसको अवॉइड करते हैं, बट ये वाले फेजेस देखते हैं। नवंबर 2019 मार्केट काफी करेक्ट हो चुका था, है ना, और एक ये रेड कैंडल बनी थी यहाँ पे, देखो आप यहीं कहीं जहाँ रेड कैंडल बनी इतनी बड़ी, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया था, और उसके बाद ग्रीन भी बनी और मार्केट ऊपर ही रहा, ठीक है। तो अगर इस तरह की कैंडल बन रही है तो मार्केट रेंज में रहे इसके चांसेस कम है, एक ट्रेंड पकड़ लेता है। यहाँ देखो, ये रेड कैंडल बनी सितंबर 19 में, उसके बाद निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन दिया कुछ ही दिन में, 11,600 से 11,100, ऑलमोस्ट 5% करेक्शन जस्ट इन फ्यू डेज, है ना, यहाँ पे आज की डेट में 1,000 पॉइंट होता है निफ्टी पे, ठीक है, 1 2 वीक में बस। और पीछे हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी बाजार ऊपर, है ना, फिर गैप डाउन हुआ, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और पीछे आएंगे तो ये 5% नहीं, 10 10 15 15 20 20% की कैंडल मिल जाएंगी। यहाँ देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी थी 5% की, और मार्केट क्या भागा है ना। ठीक है, यहाँ रेड कैंडल बनी थी, बॉटम बनाया निफ्टी ने, निफ्टी की रैली देखो,
तो इंफोसिस अगर गैप डाउन होता है उसमें रिकवरी आती है, तो इंफोसिस में तो मार्केट में ओवरऑल बहुत तेज रिकवरी आती है, और अगर जो गैप डाउन है और जो सेलिंग है इंफोसिस में वो सस्टेन करती है, तो ओवरऑल मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग दिखती है। पॉइंट ये है कि यहाँ देखो, यहाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये 20% की है कम से कम ये रेड कैंडल, ठीक है। 442 का लो बना और उसके पिछले दिन हाई था 514 का, है ना, 80 पॉइंट ऑलमोस्ट, ठीक है, 70-80 पॉइंट, 15% के आसपास, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल मार्केट ने यहाँ लो बनाया, इन्फोसिस बाउंस किया, निफ्टी बाउंस किया, और यहाँ पर भी वही हुआ, ठीक है। अप्रैल 2017 यहाँ पे तो काफ़ी कॉरपोरेट टैक्स कट किए थे ट्रम्प ने, तो उससे पूरे ग्लोबल मार्केट ही बुलिश थे। यहाँ देखो, यहाँ एक रेड कैंडल बनी अक्टूबर 16 में, ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और बहुत बड़ा फॉल आया, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ बॉटम बना, रेंज में रहा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल दिया, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो कितना परफेक्ट, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, मार्केट ने एग्जैक्टली यही बॉटम बनाया और बड़ी रैली, ठीक है। तो और भी जा सकते हैं पीछे हिस्ट्री में, है ना। इनफैक्ट इसी स्टडी को हम वीकली कैंडल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वीकली कैंडल पे 10% लगा सकते हैं हम अपने इंडिकेटर में, सेटअप में, है ना। तो और भी बिग पिक्चर दिखेगी, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। पॉइंट ये है कि अगर कल इंफोसिस गिर के रिकवर करता है अगले 2-3 सेशन लेग से नेक्स्ट वीक, तो निफ्टी पे 21,000 भी दिख सकता है, और अगर ये सेलिंग सस्टेन रहती है और निफ्टी कंटिन्यू रखता है सेलिंग, है ना, गिरता ही रहता है, तो फिर ओवरऑल मार्केट बहुत बेयरिश हो सकता है ना, और चांसेस इसी के ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ गाइडेंस कम करना, रेवेन्यू गाइडेंस कम करना, और कहाँ पर हैं हम ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें हम, तो हम ऑलरेडी एक रैली दे चुके हैं इन्फोसिस में ना, जो स्टॉक 1260 था जुलाई जून जून में, है ना, वो भी 1500 के आसपास है, तो ऑलरेडी 20-25% रिटर्न्स दे चुका है, और तो हम कहाँ पर हैं ओवरऑल पिक्चर में, उस हिसाब से देखें तो बियरिश पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ओवरऑल मैक्रोज इकोनॉमी देख लो ना, तो चांसेस आर हाई के इन्फोसिस मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दे बियरिश साइड पे, ठीक है भाई। मेरा डिस्क्लोजर ये है, मैंने मेंबरशिप में इनफैक्ट आज पब्लिक लाइव में बताया था कि मैं स्प्रेडल बनाऊंगा विदाउट फेल, तो मेरे पास इन्फोसिस के 15-20 के पुट्स हैं, 15-20 कॉल्स हैं, और जिस प्राइस में मैंने लिए थे एटलीस्ट डबल होंगे, कल ओपन ही डबल होंगे और हो सकता है ट्रिपल हो जाए, ठीक है। तो मेंबर्स में मैंने पोस्ट भी किया था, और जो भी शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पज ओनली, इसको कॉल टिप वगैरह मत देखना वरना काफी घातक साबित हो सकता है, ठीक है। आई थिंक इतना ही कवर करना था मुझे इस वीडियो में, और एक चीज जरूर बोलूंगा, लाइव ट्रेडिंग जो डेली मैं सुबह कर रहा हूँ 9 बजे से सेशंस होते हैं, अगर आप ये मिस कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेंबरशिप में रहो तो कम्युनिटी पोस्ट पे आपको टाइमली गाइडेंस मिल जाएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चल जाएगा मेरा क्या व्यू है ना। कल इन्फोसिस बुलिश दिखा तो हो सकता है मैं कॉल्स या जो मतलब जो भी है बुलिश स्ट्रेटेजीज रखूँ, उसमें स्ट्रेटल बनाया आज, हो सकता है कि जो भी है नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो आई थिंक ट्रेडिंग में सिंसियर हो, दोनों ही रहना चाहिए, लाइव ट्रेडिंग सेशन भी अटेंड करो और मेंबरशिप में भी रहो, बट बिजी होते हैं जॉब बिजनेस, लाइव ट्रेडिंग सेशंस में नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट मेंबरशिप में रहो। कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ पैट्रियन पे, जो $99 वाले मेंबर्स है उसमें एडवांस सेटअप्स के, तो जो रिवर्सल के सेटअप्स हैं वो अभी क्या बोल रहे हैं ना, और कुछ नई चीज़ें, कुछ नए इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग व्यू के टूल्स जो बता सकता हूँ जो अभी के मार्केट में रेलेवेंट है, कि अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो क्या चीज़ें देखना होंगी और क्या चीज़ें ऑलरेडी कुछ इंडिकेशंस दे रही हैं, इसका एक डिटेल्ड एजुकेशनल वीडियो कल पैट्रियन पे अपलोड करूँगा, है ना। तो
तो हो सके तो मिस मत करना। ठीक है, क्लोज करता हूँ, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे लाइव ट्रेडिंग सेशन। गुड नाइट।